ये वाल्मीकि ऋषि समाधि 8 किलोमीटर, ये स्टेट हाईवे से अपन एंट्री कर रहे हैं। सामने पूरा आप व्यू देख सकते हो, पूरा ये खंडोबा का मंदिर है ऊपर। बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है, 3 एकड़ 8 घंटा रीसेल प्रॉपर्टी। बादलों का व्यू देखिए, पूरा 360 डिग्री में, ये पूरे फॉग है इसलिए दिख नहीं पा रहा क्लियर। जब थोड़ा धूप आता तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिखता है इधर से। बाजू में छोटा सा ये दुकानें हैं, मगर ये स्टेट हाईवे से खाली 200 मीटर पे, ये जो खेती दिख रही है आपको नीचे वाली, ये पत्थर पत्थर एग्जैक्ट जो दिख रहे हैं पत्थर वाली जगह नहीं है। ये जब खेती करते तो ये लोग पत्थर साइड में जमा देते तो पत्थर पत्थर दिख रहा है एग्जैक्ट। आप जब विजिट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरी 360 डिग्री पूरा ये बादलों का व्यू है, वाटरफॉल्स आते हैं इधर। बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है, अपनी जगह के सामने एक जन ने बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट किया है। ये देखिए आजूबा पर्वत का थोड़ा व्यू दिख पा रहा था। स्टेट हाईवे से खाली 200 मीटर पे डांबर रोड टच रीसेल प्रॉपर्टी। ये देखिए जो खेती है वो वाली, ये सामने ये फार्म हाउस बहुत ही मस्त डेवलप किया हुआ है इन्होंने। और इधर समर वैकेशन में 60 फीट पे आपको पानी मिलता है। ये सब खेती देखिए, जो खेती खेती पानी पानी दिख रहा है, ये पूरी जगह अपन दे रहे रीसेल प्रॉपर्टी है। स्टेशन से 30 किलोमीटर्स, मगर डायरेक्ट स्टेशन से असंगाव रेलवे स्टेशन से इधर बस आती है। बॉम्बे से 110 किलोमीटर है ये। और गारंटेड, ये देखिए व्यू देखिए, आप व्यू देख सकते हो, पूरे बादलों से भरा हुआ व्यू है पूरा। 80% लाल मिट्टी वाली ये जगह है। एक साइड रिवर है तो पानी भरपूर है बोरिंग में। ये विंटर सीजन का है, थोड़ा बारिश जब कम हो जाता है। और आपको मैं अभी समर सीजन का भी दिखाऊंगा वीडियो। ये आ गए अपन समर में। अभी देखो ये पहाड़ क्लियर दिख रहे, जैसे लद्दाख में पहाड़ कैसे रहते हैं वैसी है जगह है। और ये देखो ग्रीन ग्रीन पार्ट जो दिख रहे हैं, ये पूरी घास आई है, उसके बीच में जो ग्रीन पार्ट दिख रहे हैं वो अपनी जगह है खेती की। और 360 डिग्री पूरा माउंटेन का व्यू प्रॉपर्टी है ये। तो समर का वीडियो आप देख सकते हो, ये जो ब्रिज जैसा बनाया हुआ ना, इधर से जगह शुरू होती है खेती ये लेफ्ट में। और ये डांबर रोड टच प्रॉपर्टी है, ये देखिए ग्रीन ग्रीन जो पार्ट है वो खेती वाली जगह थी। वंस अगेन आजोबा पर्वत का व्यू, जिधर रामायण में सीता मैया लव कुश आके रुके थे। रामायण का एक हिस्टोरिकल प्लेस है ये। 54 करोड़ गवर्नमेंट ने सेंक्शन कर दिया है इधर, तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला। और ये एरिया 15 साल पहले डेवलप हो चुका है, अच्छे खासे फार्म हाउस बंगलो क्रिकेट लॉन्स बहुत कुछ बन चुका है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन। बारिश का वीडियो आपने देखा है, समर का भी देख लिया है, आप देख सकते हो पूरा व्यू। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ। अगर आपको टाइटल क्लियर, एग्रीकल्चर लैंड नॉट नॉन एग्रीकल्चर लैंड, अगर एग्रीकल्चर लैंड अगर आपको टाइटल क्लियर मिल गई तो इधर से आपकी जो इनकम आती है बहुत अच्छी आती है। और इधर से ही सब चीज़ें शुरुआत भी होती है। एग्रीकल्चर लैंड के बाद एनए बनता है, बिल्डिंग बनता है, रिसोर्ट आता है, मगर एग्रीकल्चर लैंड ही आपको कच्चा माल अगर मिल गया अच्छे रेट में तो बहुत बेस्ट चीज़ है। और उसके लिए मैं हर एक जैसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जगह एग्रीकल्चर लैंड लेनी है तो आदमी देख के लेना,
क्योंकि आदमी क्लियर रहेगा तो लास्ट तक वो आके खड़ा रह के क्लियर कराएगा, मगर आदमी अगर क्लियर नहीं रहे और कितनी भी अच्छी जगह आपने ले ली तो वो बाद में भी आपको इश्यूज डालेगा डालेगा। तो जस्ट विजिट।